हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि इस वीक का स्मैकडाउन का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग था, सिजारो का हमें रिटर्न देखने को मिला एंड उन्होंने कर दिया सेथ रॉलिंस का बुरा हाल और मिस्टीरियोस अगेन पिट गए रोमन रेंस से। बट रे मिस्टीरियो ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया हेल इन अ सेल के पेपरव्यू में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन उससे पहले कि रोमन रेंस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते, रे मिस्टीरियो ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि क्या रोमन रेंस हमें रे मिस्टीरियो के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे, एंड अगर रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच ऑफिशियल हो जाता है तो वहां पर हमें किसकी जीत देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आज के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर के होने के बारे में। हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो किस तरह से वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। इसके अलावा WWE का कौन सा बड़ा रिलीज हुआ सुपरस्टार अब जाने वाला है AEW में। तो गाइस, सबसे पहले हम इसी सुपरस्टार के बारे में बात कर लेते हैं। देन गाइस, वो कोई और नहीं, वो है एलिस्टर ब्लैक। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, दो हफ्ते पहले WWE ने कई सारे बड़े स्टार्स को रिलीज किया था, जिसमें से ब्रॉन स्ट्रोमन, बडी मर्फी, एलिस्टर ब्लैक कुछ बड़े नाम थे। बट एलिस्टर ब्लैक का नाम काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने अपना स्मैकडाउन में रिटर्न किया था और अटैक किया था बिगी पर, वो भी मेन इवेंट में। तो गाइस, एलिस्टर ब्लैक से रिलेटेड दो अपडेट्स निकल कर आई है। पहली है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने कहा है कि एलिस्टर ब्लैक AEW में जाने वाले, जब उनका 31 अगस्त को 90-day नॉन कम्पीट क्लॉज कम्प्लीट हो जाएगा और इसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसलिए गाइस, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक जाने वाले AEW में। बट एक और बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई थी कुछ दिनों पहले कि WWE में जो बैकस्टेज बंदे, उन्हें ऐसा लगता है कि एलिस्टर ब्लैक को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करना चाहिए था और उन्हें अभी एक और मौका देना चाहिए। इसलिए आप सब कह सकते हो थोड़े बहुत चांसेस तो है कि एलिस्टर ब्लैक वापस WWE में आ सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस यही है कि वो AEW में जाने वाले। वैसे आप क्या चाहते हैं, एलिस्टर ब्लैक वापस WWE में आए या फिर वो जाए AEW में? हाँ, तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी थी बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के आज के स्मैकडाउन में होने के बारे में। अब गाइस, अगर आप सब सोच रहे हो कि ब्रॉक लेसनर बैकस्टेज थे, तो गाइस वो बैकस्टेज नहीं थे, वो थे बिल्कुल रिंग में। तो स्मैकडाउन में जो ब्रॉक लेसनर मौजूद थे वो कोई और नहीं थे, वो थे बेली। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, नीचे WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर विद पॉल हेमन लिखा हुआ है। और गाइस, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातें चल रही है, एंड कुछ को लग रहा है कि ये एक बॉच है, एंड कुछ को लग रहा है कि WWE ने यहां से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न टीज किया। वैसे आपको क्या लगता है, ये एक बॉच है या फिर WWE ने हमें कुछ हिंट किया है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियन दी ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस एंड 619 रे मिस्टीरियो से। तो जैसा कि आप सब जानते ही है, इस वीक के स्मैकडाउन के लिए WWE ये टीज कर रही थी या कहा जाए एडवर्टाइज कर रही थी कि रे मिस्टीरियो अपना एंड अपने बेटे का बदला लेने वाले रोमन रेंस से। और मेन इवेंट में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पर रे मिस्टीरियो ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज तो किया बट कुछ और, एंड उन्हें हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज कर दिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बट इससे पहले कि रोमन रेंस कुछ बोलते या फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते, रे मिस्टीरियो ने कैंडलस्टिक से अटैक करना शुरू कर दिया रोमन रेंस पर, एंड उसके बाद रोमन रेंस ने फाइट बैक किया। उसके बाद फिर डोमिनिक आते और एंड में रोमन रेंस से स्टैंड टॉल करते। बट अभी तक ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है कि क्या हमें रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा हेल इन अ सेल में या फिर नहीं। तो गाइस, इसके चांसेस लगभग पूरे हैं कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में ये मैच आप सबको ऑफिशियल होते हुए दिखने वाला है एंड रोमन रेंस रे मिस्टीरियो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे। बट बात की जाए कि अगर रोमन रेंस एंड रे मिस्टीरियो का मैच होता है हेल इन अ सेल के पेपरव्यू में, देन वहां पर हमें किसकी जीत देखने को मिल सकती है? अब गाइस, मैं हर बार ये चीज बोलता हूं एंड फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से अभी रोमन रेंस का कैरेक्टर चल रहा है एंड सारी चीजें चल रही है, वो देखकर कहीं से भी नहीं लगता रोमन रेंस अभी हाल फिलहाल या फिर एटलीस्ट समर स्लैम से पहले अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने वाले। अगर रे मिस्टीरियो चैंपियन बनते, देन उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होगा और वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर ये मैच होता है देन ये होगा हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके चांसेस थोड़े कम है। बट हां, अगर डोमिनिक मिस्टीरियो किसी तरह से हेल्प कर देते अपने फादर रे मिस्टीरियो की, देन हो सकता है कि हमें रे मिस्टीरियो भी बनते हुए दिख जाए यूनिवर्सल चैंपियन। अब इसके चांसेस अच्छे खासे है कि हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में हमें डोमिनिक का रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई रोमन रेंस की जब फ्यूड स्टार्ट हो चुकी है मिस्टीरियो के साथ, देन उनका मैच डोमिनिक के साथ भी जरूर से होगा, पॉसिबली मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में। और हाँ गाइस, आप सबको बता दूं कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जिसे मैं कवर नहीं कर पाता, वो आप सबको मेरे वेबसाइट wrestlealert.com पर देखने को मिल जाएगी, जिसे आप अपने ब्राउजर पर सर्च मार सकते हो। और मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग को ये चीज पता है, बट जिन्हें भी नहीं पता वो जाकर जरूर से चेकआउट करना। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है हेल इन अ सेल पेपर व्यू में किसकी जीत होने वाली, यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में रोमन रेंस की या फिर रे मिस्टीरियो की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।